हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वो लास्ट मोमेंट आपका 14 जुलाई स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपने पूरी साल भर मेहनत करी है। ये आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं फटाफट इस चैनल पे रैपिड फायर सेशन टॉप 25 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को अपलोड कर रहा हूं, जहां से आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसी सीरीज का सेट नंबर 14 है। आप सेट नंबर 13 को देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स शुरू में बताता हूं, इसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कैसे इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको फॉलो करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज आप सेट नंबर 13 पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताना, इट मींस आपका 1 मिनट का लॉस होगा, और ये 1 मिनट समझ रहे आपकी इसलिए इस समय 1 घंटे के बराबर, और 1 घंटा आपका लाइफ बदल सकता है। आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 14 जुलाई से जिनका पेपर स्टार्ट हो रहा है, आप बोल सकते हैं कि 1 घंटा उनके जीवन का बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज को। आपको बताना है कि उस प्लेयर का नाम जिनका संबंध ब्लेड्स गेम से, नीरज चोपड़ा, संकल्प गुप्ता, पंकज अडवाणी या फिर मनीष नरवल। पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स गेम से, ऑप्शन आपका जो है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है एल्काइल बेंजीन के बारे में, जिसका इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि वाइडली विस्तृत रूप से यूज किया जाता है। ये बेसिकली इंटरमीडिएट का काम करता है जब हम फिनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली फिनॉल, ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 के एग्जाम्स में। तो ये बेसिकली क्वेश्चन एल्कोहल फिनॉल्स एंड इधर चैप्टर से पूछा गया था। आपको बेसिकली बताना है उस एल्काइल बेंजीन के नाम बताना है जो एज इंटरमीडिएट यूज होता है। मान लीजिए कि आपका कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, बीच में आपका इंटरमीडिएट बनता है, देन आफ्टर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, बीच का जो कंपाउंड बन रहा है, वो आपका एल्काइल बेंजीन है। तो उस एल्काइल बेंजीन का नाम बताना है, क्यूमिन, फ्यूरेन, स्टायरिन या फिर टोलुइन। उस एल्काइल बेंजीन का क्या नाम है आपका? क्यूमिन नाम है। आप आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा, और जिसका इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जो है एज इंटरमीडिएट यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलता है, आर्टिकल 49(2) या फिर आर्टिकल 51 ए या फिर आर्टिकल 50 या ए या फिर आर्टिकल 44। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका मेंशन है आर्टिकल 41 ए में, और ये आर्टिकल 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अभी अभी जो है बेसिकली आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये बेसिकली जो है बोल सकते हैं किस पर्टिकुलर फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल को जो है यूनेस्को के द्वारा जो है उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में जो है बेसिकली उसको प्लेस किया गया है। और ये यूनेस्को बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, दुर्गा पूजा या फिर रामनवमी या फिर जन्माष्टमी या फिर महाअष्टमी। अभी अभी दुर्गा पूजा को बोल सकते हैं कि जो है वो लिस्ट किया गया है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को के द्वारा। ये आपका यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये बेसिकली ये रूलर के नाम है, और उसके बाद से जो है इनका शासनकाल दे रखा है। यहाँ पे शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर के 1545, 1540 से 1545, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। दोनों ही इनकरेक्ट, ना ही फर्स्ट आपका सही है ना ही सेकंड सही है, दोनों ही केवल दो सही है या फिर केवल एक सही है दोनों में से, या फिर दोनों सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोनों ही ड्यूरेशन आपका सही है। शेर शाह सूरी का शासनकाल 5 साल का था, 1540 से 1545, और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 अप्रैल 2022 बेसिकली किसको जो अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एस राजू, सुमन आर, सुमन के बैरी, मनोज सोनी या फिर अश्विन यर्दे। मनोज सैनी सोनी बेसिकली अपॉइंट हुए थे चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी 5 अप्रैल 2022। प्लानिंग कमीशन बेसिकली आपको बताना है कि ये जो इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है, उसने कितने इंडिया में जो है एग्रो क्लाइमेट जोन को डिवाइड किया है। नंबर ऑफ आपको बताना है एग्रो क्लाइमेट जोन 15, 25, 18 या फिर 20। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली इंडिया में को जो आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 15 है, कितने हैं 15।
नेशनल इनकम कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया था, आपको बताना है, पीसी महालनोबिस या फिर वीके राव या फिर डीआर गडगिल, डॉक्टर गडगिल या फिर बी आर अम्बेडकर। नेशनल इनकम कमेटी हेड किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मास नंबर आपको बताना है टाइटेनियम का 44.56, 49.82, 41.33 या फिर 47.78। टाइटेनियम का सिंबल टीआई होता है, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम का 21 होता है, इसका टाइटेनियम का 22 होता है, इसका मास नंबर 47.78 होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि किस कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया कि कंट्रीज का जो आपका जीन बैंक प्रोग्राम अपने स्टेट में, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव करी है कंट्री का जो है जीन, फर्स्ट बोल सकते हैं कि आपका ये जीन बैंक प्रोग्राम अपने स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया था, इसका सोर्स मैं बता दूं आपको, देखने को मिले क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, क्लियर। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ये पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल डायरेक्ट 2022 के एग्जाम्स में, तो मैं सीरीज में 22 के क्वेश्चन को ज्यादा इंक्लूड किया हूं, तो आपको बेसिकली इस पे फोकस करना है, इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करना है। तो ये बेसिकली जो है किस पर्टिकुलर ईयर में आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एबीडी सैनकोटियस ने ऑर्गेनाइज करी थी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेस पे, उनको एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था किसके बेस पे, एटॉमिक वेट के बेस पे। उन्होंने बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट करी थी एलिमेंट्स का एक सिलेंडर के चारों तरफ, अराउंड अ सिलेंडर, क्लियर। और ये बेसिकली जो है सरकमफेरेंस कितना था उसका 16 यूनिट्स, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये एटॉमिक वेट भी हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन का 16। तो इस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर ईयर में आपका ये इनके द्वारा किया गया था ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, 1862 में या फिर 1860 में या फिर 1870 या फिर 1868 में, कब किया गया था बताइए। इनके द्वारा 1862 में ये कारनामा किया गया था, बोल सकते हैं कि जो है एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे उनको ऑर्गेनाइज किया गया था अराउंड अ सिलेंडर, क्लियर। तो उन्होंने एग्जांपल के रूप में यूज किया था ऑक्सीजन को जिसका एटॉमिक वेट 16 हमें देखने को मिलता है या फिर 16, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये एक इंपॉर्टेंट बेसिकली आपका बुकलेट रिलीज किया गया था के द्वारा, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा, जिसमें कुछ आपके आउटवर्ड्स थे और उसके साथ साथ उसमें एक्सप्रेशंस भी थे जिनको उनके द्वारा जो है अनपार्लियामेंट्री, जिनको कंसिडर किया था अनपार्लियामेंट्री वर्ड दोनों के द्वारा जो है लोकसभा और उसके साथ साथ राज्यसभा के द्वारा, और इसमें से कौन सा आपका एक वर्ड जो है इसमें से अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर नहीं किया गया, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है, शकुनी या फिर नौटंकी या फिर शक्कर या फिर गिरगिट। यस, उसमें से बेसिकली शक्कर को अनपार्लियामेंट्री वर्ड की कैटेगरी में चूज नहीं किया गया था, ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपको इंडिया में देखने को मिलता है उसका शेप कैसा है, लेनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या फिर ट्रायंगुलर। लेनियर आपका रेखीय या फिर रेक्टेंगुलर आयताकार, सर्कुलर वृत्ताकार या फिर ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार। पेनिनसुलर प्लेट्यू का शेप है इंडिया में कैसा है, आपका ट्रायंगुलर है, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से पर्टिकुलर सिटीज का नाम बताना है जिसमें आपका ये देखने को मिला था आईपीएल 2022 का फाइनल मैच, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद। आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच खेला गया था अहमदाबाद सिटी में। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किस पर्टिकुलर ईयर में, 1942 में, 1944 में या फिर 1939 में या फिर 1941 में। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1944 में, 1944 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1940 में, 1990 में, 1950 में या फिर 1960 में। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960s में, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तरिया डांस एक इंपॉर्टेंट आपका फोक डांस असम का है, नॉट फोक डांस, ये क्लासिकल डांस है, क्लियर, ये आपको नहीं भूलना है। ये सतरिया जो है आपका असम का क्लासिकल डांस है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 15th सेंचुरी एडी में एक ग्रेट वैष्णव संत और उसके साथ साथ रिफॉर्मर ऑफ द आसाम, उस पर्टिकुलर रिफॉर्मर ऑफ आसाम, सुधारक बोल सकते हैं कि आसाम के।
उनका नाम बताना है, चैतन्य महाप्रभु या फिर महापुरुष शंकरदेव या फिर वल्लभाचार्य या फिर संत नामदेव। महापुरुष शंकरदेव बेसिकली जो है, और उसके साथ साथ वैष्णव संत ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था सतरिया डांस असम स्टेट में, क्लियर। तो ये आपको नहीं भूलना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकरदेव से रिलेटेड आप बोल सकते हैं कि सतरिया डांस इनका रिलेशन है। नेक्स्ट टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती के बारे में आपको बताना है कि ये किस एक डांसर भी है, ये क्लासिकल डांस का नाम बताना है, किस क्लासिक डांस के वो डांसर है टी बाला सरस्वती, और उसके साथ साथ ही एक्ट्रेस भी है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मणिपुरी या फिर कथकली। टी बाला सरस्वती डांसर है आपके भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम बेसिकली क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और ये मणिपुरी मणिपुर स्टेट में, कथकली केरल में, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये सारे के सारे आपके जो है क्लासिकल डांस है, आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपका नेशनल लेवल, जो आपका गवर्नमेंट जो होता है नेशनल लेवल पे, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेसिकली आपका ये जो है किसके द्वारा जो गवर्नमेंट को रन किया जाता है नेशनल लेवल पे, प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर प्राइम मिनिस्टर केवल और उसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट को रन किया जाता है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नेशनल लेवल पे, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पेयर आपको यहां से आइडेंटिफाई करना है उस्ताद, यहां पे बेसिकली पर्सनालिटी का नाम है और वो जो यंत्र बजाते हैं उनका नाम यहां पे मेंशन है। उस्ताद अल्ला रखा खान तबला बजाते हैं या फिर तबला वादक बोल सकते हैं, रविशंकर सितार बजाते हैं, मोगू बाई जो है आपके कुर्दिकर या आपके वोकल है, या फिर उस्ताद विलायत खान आपके सरोद वादक है, सरोद बजाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये इनकरेक्ट पेयर मैचिंग है। उस्ताद अल्लाह रखा खान ये तबला वादक है, करेक्ट है। ये आपके रविशंकर सितार बजाते हैं, ये भी करेक्ट है। मोगू भाई ये आपके कुर्दिकर वोकलिस्ट हैं, ये वोकल हैं बोल सकते हैं, और उसके बाद से जो है ये उस्ताद विलायत खान ये आपके सरोद नहीं बजाते हैं, क्या बजाते हैं ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं जब डिटेल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट्स को डिटेल में। 1498 में वास्को डिगामा एक पुर्तगाली बोल सकते एक्सप्लोरर थे, उन्होंने डिस्कवर करी थी एक रूट को, किस रूट को, इंडिया को या फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर जापान। 1498 से आप समझ गए होंगे कि वास्को डिगामा के द्वारा जो है वो खोजा गया था इंडियन रूट को, क्लियर। एल नीनो बेसिकली डेवलप होता है किस ओशियंस में, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। एल नीनो डेवलप होता है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉर्डर बताना है बेसिकली जो सेपरेट करता है इंडिया और उसके साथ साथ पाकिस्तान को, उसके हम किसके नाम से जानते हैं, लाहौर लाइन, मैकमाहोन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, दिल्ली लाइन। दिल्ली लाइन तो वैसे नहीं होगा, लाहौर लाइन इट मे भी हो सकता है, बट आप बताइए। मैकमाहोन लाइन बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलता है ये लाइन, इसका आंसर आपका रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। इसमें से कौन सा एनिमल बेसिकली आपका डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, मोलस्का के ऑर्गेनिज्म या फिर कॉर्डेट्स या फिर सिलेंट्रेट्स या फिर प्लेटीहेलमिंथिस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन स्तर, एक्टोडर्म, एंड्रोडर्म और बीच में मेसोडर्म, तो तीन स्तर का मतलब यही होता है, तीन स्तर देखने को मिलता है उस ऑर्गेनिज्म में। सिलेंट्रेटा के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, ओबेलिया हो गया, अरेलिया हो गया, इन सारे में बोल सकते हैं कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेसिकली आपका जो है इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल पे होता है। और इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपका ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से इनका बोल सकते हैं कि बॉडी के टू लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म नहीं बोलना है आपको, ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाकी आपके मोलस्का हो गए, कॉर्डेट्स हो गए और ये प्लेटीहेलमिंथिस जिनको हम फ्लैट क्रीमी, चपटे क्रीमी बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स, क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में आपको मेसोडर्म देखने को मिलेगा, क्लियर। इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है इस पर्टिकुलर सेट का, इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है शक डायनेस्टी से रिलेटेड। कुछ किंगडम्स जो आपके शक बोल सकते हैं कि जो है लास्ट अबाउट 500 इयर्स, तो ये आपके शक का जो अंत हुआ था 500 इयर्स मतलब कि 500 साल के बाद अंत हुआ था, क्लियर। और ये जो शक का जो उदय हुआ था बेसिकली कुषाण के द्वारा हुआ था 2200 इयर्स एगो। दोनों ही स्टेटमेंट में से कोई भी आपका करेक्ट नहीं है, केवल और केवल फर्स्ट करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों में केवल दो करेक्ट है। यस, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है, जो आपका ये शक जो है इसके फॉलो किया गया था। शक का उदय किसके बाद से हुआ था, तो इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी के बाद से शक का उदय देखने को मिलता है, ना कि कुषाण के बाद से, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि आपका ये रैपिड फायर सेशन सेट नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आई होप आपको ये सीरीज सॉल्व करने में काफी एंजॉय आ रहा होगा और अपने एग्जाम से पहले अपने आप को काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस में ही रहना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।